तो फाइनली गाइस टीवीएस कंपनी ने अपनी मोस्ट अवेटेड बाइक टीवीएस राइडर 125 को आज लॉन्च कर दिया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और बहुत लोगों को इस चीज का कंफ्यूजन था कि इसका नाम टीवीएस फियरो 125 होने वाला है, बट इस चीज को पूरी तरह से टीवीएस कंपनी ने खारिज करते हुए इसका जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसका लुक है और यहाँ तक इसका जो नाम है, उन सब चीजों को आज रिवील कर दिया है। यानी आज टीवीएस कंपनी ने अपनी राइडर 125 को लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें जो कि मेरे ख्याल से आपको जाननी चाहिए, क्योंकि यह टीवीएस कंपनी की 125 सीसी सेगमेंट की एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बाइक होने वाली है, जिसमें आपको एक नेकेड स्पोर्ट लुक देखने को मिलेगा और उसके साथ इसमें जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा अपडेटेड होने वाले हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरा विस्तार से, ए टू जेड हम आपको सारी चीजें बताएंगे, इसकी प्राइस भी बताएंगे और इसमें जो नए फीचर्स आ रहे हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो पसंद है, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू 2021 मॉडल टीवीएस राइडर 125, नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक होने वाली है, क्योंकि इसका जो लुक मिलता है वो आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिल जाता है और जो इसके फीचर्स हैं वो तो कमाल के फीचर्स हैं। मतलब कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 125 सीसी सेगमेंट की बाइक में इतने कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए डालते हैं इनके फीचर्स पे एक नजर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो स्टाइल होने वाला है वो आपको नेकेड स्ट्रीट डिजाइन में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है और इसमें आपको वाइड हैंडल बार देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ इसमें आपको स्पोर्टी हाल्फ चैन देखने को मिलता है, तो ये काफी स्पोर्टी हो जाता है। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में आपको 240mm का इसमें रोटो पिटल डिस्क देखने को मिलता है। अब इसमें ABS आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको SBT ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, यानी सीटिंग कंफर्ट आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के रेक्सिन से बने हुए सीट देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट इसका जो कंफर्ट होने वाला है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। साथ ही जो इसका फ्यूल टैंक होने वाला है वो आपको काफी स्पोर्टी फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और जो इसका फ्रंट का हेडलैम्प है वो आपको बोल्ड डिजाइन का हेडलैम्प देखने को मिलेगा, यानी बोल्ड डिजाइन में आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा एक यूनिक डिजाइन में, तो काफी रोबोटिक लगता है और काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत इसका हेडलैम्प मुझे लगता है। और मैं आपको बताऊं ये फुल LED हेडलैम्प होने वाला है जो कि आपको एक बेहतरीन विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करने वाला है, तो मतलब स्टाइल के साथ साथ आपको विजिबिलिटी भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। बात कर अगर हम इसके फीचर्स की तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी कमाल के नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मीटर भी देखने को मिलता है, यानी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है ये आप रियल टाइम अपने मीटर कंसोल में ही चेक कर पाएंगे। उसके साथ ही इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, यानी आपके फ्यूल टैंक में जो फ्यूल बचा होगा वो कितने रेंज तक चलने वाला है ये आप अपने मीटर कंसोल में ही चेक कर पाएंगे, तो ये काफी सही चीज है। वहीं आपको मीटर कंसोल में गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड शिफ्ट इंडिकेटर भी देख पाएंगे। तो और उसके साथ इसमें आपको इंटेलिगो ISS टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, यानी आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, तो ये आपके फ्यूल इफिशियंसी को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। उसके साथ जो जबरदस्त अपडेट है वो ये है कि इसमें आपको दो मोड भी देखने को मिल जाएंगे, यानी राइड मोड भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको अपाचे की 204V में देखने को मिलता है, तो ये काफी जबरदस्त होने वाला है। और उसके साथ ही इसमें आपको एक और अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और वो है इसके सीट के नीचे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी जिसमें आप अपने कुछ सामान को उसमें रख पाएंगे। तो ये काफी जबरदस्त अपडेट है जो कि टीवीएस कंपनी ने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। बात कर अगर हम इसके इंजन की तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये इंडियन ब्रांड की सबसे पहली बाइक होने वाली है जो कि आपको 3-वॉल्व इंजन के साथ देखने को मिलेगी, यानी इसमें आपको 3-वॉल्व देखने को मिलेंगे। और जो इसके इंजन का डिस्प्लेसमेंट है वो आपको 124.8 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 3-वॉल्व एयर एंड ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिलने वाला है, यानी आपकी इस बाइक में यानी टीवीएस राइडर 125 में एयर कूलिंग के साथ साथ ऑयल कूलिंग भी देखने को मिलने वाली है, तो हीटिंग की समस्या नो डाउट काफी हद तक कम होने वाली है। जो इसमें आपको मैक्स पावर मिलेगा वो आपको 8.37 किलोवाट का मिलने वाला है 7000 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलने वाला है वो आपको 11.2 न्यूटन मीटर का मिलने वाला है 6000 आरपीएम पे। तो पावर टॉर्क भी इसके इंजन के अकॉर्डिंग काफी पावरफुल होने वाला है। वहीं ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, और इंजन में आपको सबसे बेहतर चीज ये देखने को मिलने वाली है कि इसमें आपको इंस्टेंट पिकअप सिस्टम
सिस्टम देखने को मिल जाएगा, यानी जो इसकी स्पीड है। आप इस बाइक से, कंपनी दावा करती है कि आप इस बाइक से 0 to 60 की स्पीड 5.9 सेकंड में ही कवर कर पाएंगे, यानी 5.9 सेकंड में ही आप 0 to 60 की स्पीड को गेन कर पाएंगे। तो ये जबरदस्त अपडेट होने वाला है इस बाइक में, यानी राइडिंग को लेके मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ये बाइक शोरूम पे आने वाली है, मैं आपको इसका टेस्ट राइड भी करके दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट। और इसके साथ ही इंजन में आपको साइलेंट स्टार्ट ISG सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है, तो मतलब इंजन में आपको काफी भर भर के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 780 mm की देखने को मिलेगी, तो जो एवरेज हाइट के राइडर है वो भी इसे आसानी से राइड कर पाएंगे। इसके साथ इसमें आपको USB चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, हेलमेट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेशन एंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 mm का देखने को मिलेगा, तो इंडियन रोड के हिसाब से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो ये था इसका हाइलाइटेड फीचर्स और जो इसमें नए अपडेट आने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 79,290 rupees यानी 79,290 rupees देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। जो इसकी ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1 lakh to 1 lakh 5,000 rupees यानी 1 lakh to 1 lakh 5,000 rupees के बीच में देखने को मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑन रोड प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो कैसी लगी ये बाइक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।